आगरा में लगने वाले ताज महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ताज महोत्सव के आयोजन में महज हफ्ते भर से भी कम का समय बाकी रह गया है। शिल्पग्राम परिसर में महोत्सव की तैयारियों में रंग रोगन का काम किया जा रहा है। संस्कृति के रंग ताज महोत्सव के संग की थीम पर इस बार के ताज महोत्सव का आयोजन होना है, जिसके लिए शिल्पग्राम में इलाहाबाद से आए कारीगरों द्वारा भारतीय संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग की जा रही है। तो वहीं ताज महोत्सव के मुख्य गेट को स्मारक की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। ताज महोत्सव का शुभारंभ यूपी के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी करेंगे। परिचय दे दिया अपना। मैं प्रदीप टमटा हूँ, मैं पर्यटन सूचना अधिकारी हूँ यूपी टूरिज्म में। प्रदीप जी, इस बार ताज महोत्सव 18 से 27 फरवरी को लगाया जा रहा है, क्या तैयारी चल रही है, तैयारियों की बात की जाए और क्या क्या मुख्य आकर्षण इस बार रहेंगे? देखिए, ताज महोत्सव अपने आप में एक लघु भारत है और 18 से हम इसको शुरू करेंगे 27 तक। हर साल ही 18 से 27 फरवरी के बीच में होता है, एक वार्षिक आयोजन है। और ख़ास बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लघु भारत है, इसमें आपको देश के कोने कोने का शिल्प मिलेगा, व्यंजन मिलेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी जो सांस्कृतिक विधाएँ हैं वो मिलेंगी। एक तरफ आप हमारे जो कल्चरल इवेंट्स हैं, जैसे कथक आपको मिलेगा, फोक डांसेस आपको मिलेंगे, लाइट म्यूज़िक आपको मिलेगा, बॉलीवुड भी आपको मिलेगा। दूसरी तरफ आपको तमाम तरह के असम का बैम्बू मिलेगा, कश्मीर के शॉल मिलेंगे, ठीक है ना, और लखनऊ का चिकन मिलेगा, वेस्ट बंगाल की साड़ीज मिलेंगी। तो एक मिश्रण सारी हमारी संस्कृति का यहाँ पर होगा। इसके अलावा लगभग 300 से 350 शिल्पी हम लोग इस बार आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएँगे, और स्थानीय कलाकारों के साथ साथ लगभग 1000 के आसपास टोटल आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। बॉलीवुड आर्टिस्ट में इस बार हमने नीति मोहन और मीत ब्रदर्स को इनवाइट किया है, और आरुषि निशंक हैं जो कथक की मानी हुई डांसर हैं, वो आएंगी, और भी तमाम हमारे भोजपुरी सिंगर्स होंगे। इसके अलावा जो कव्वाली है वो होगी, आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन कर रहे हैं। तो एक मिला जुला स्वरूप होगा, हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा आकर्षण होगा और देश विदेश के लोग इसका आनंद उठाएंगे। अच्छा, जो इस बार थीम है वो थीम क्या रखी गई है, थीम के हिसाब से किस तरह से पूरा ये शिल्पग्राम को सजाया जा रहा है? देखिए, इस बार की जो थीम सेलेक्ट हुए वो है संस्कृति के रंग ताज के संग। निश्चित रूप से ताज महोत्सव संस्कृति का ही एक रूप है, और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ आता है। संस्कृति का एक व्यापक अर्थ है, आपका रहन सहन, आपके ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है, हमारी जो सभ्यता है, सब कुछ संस्कृति में आता है। तो उसी के रंग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हस्तशिल्प का यहाँ पर आयोजन होगा, तमाम तरह के फूड क्यूजींस, फूड कोर्ट्स भी यहाँ पर होंगे। तो एक मिश्रण है, तो वही रंग है। और चूँकि ताजमहल दुनिया का अजूबा है, तो ताजमहल के साए में हम इसको कर रहे हैं, तो ये जो संस्कृति के जो तमाम सारे रंग होंगे वो ताजमहल के साथ हम लोग बनाएंगे। इसलिए इसका इस बार का जो थीम है संस्कृतिक रंग ताज के संग हमने डिसाइड किया है।